अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चोरी के बहुत से वाकियात पाकिस्तान में रूनुमा हो रहे हैं, लेकिन ये वाकिया कुछ अलग किस्म का वाकिया है। इस शख्स को आप लोग देख सकते हैं कि ये अभी इस गली में एंटर हो रहा है और उससे आगे एक सफ़ेद कपड़ों वाला एक और लड़का भी इस गली में एंटर हो गया है। अब ये दोनों मज़े से गली में आ रहे हैं और इनसे थोड़ी फासले पर अभी क्या वाकिया इनके पास पेश आने वाला है वो भी आप लोग इस वीडियो में देख लेंगे जब मोटरसाइकिल सवार डकैत इनके पास पहुंच जाते हैं। जो ही इस सफ़ेद कपड़ों वाले का ऑपरेशन शुरू हो जाता है तो वो बारिश शख्स वहां से मुड़ने लगता है और पीछे हटता है, लेकिन फिर उसके दिल में ख्याल आता है और डकैतों पे उनको रहम आता है और वो वापस इन लोगों के पास चलना शुरू कर देता है और अचानक ही जेब में हाथ डाल के मोबाइल भी निकाल लेता है। उनको तरस आता है डकैतों पे। मोटरसाइकिल डकैत उनको गले भी लगाता है और उनके साथ ईदी मिलता है और फिर उनसे मोबाइल और नकदी लेकर उनको छोड़ देते हैं। फिर उनके शलवार की तलाशी भी ले लेते हैं जैसे पुलिस वाले लेते हैं। जबकि सफ़ेद कपड़ों वाला मुतासिर शख्स इस मोमेंट को एंजॉय करता है और अपने सिगरेट से कशे लेता है। जो ही इस बारिश शख्स का ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है तो डकैत बड़े आराम से यहाँ से निकल जाते हैं और ये दोनों मुतासिरीन एक दूसरे को मलामती नज़रों से देखते हैं जैसे ये गलती बारिश शख्स की हो या सफ़ेद कपड़े वाले की हो। हालांकि दोनों एक ही साथ इस गली में एंटर हुए थे, फिर दोनों आंखों आंखों में ही दवा सलाम करके पतली गली से निकल जाते हैं। जबकि सफ़ेद कपड़ों वाला नौजवान परेशान वहीं पे खड़ा रहता है। दोस्तों एक और डकैती की वारदात भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, उससे पहले इस वीडियो को भी एक लाइक दे दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे।